अभी फिलहाल में तो चाहिए तो ऊपर से ले आएंगे साड़ी फ्रॉली और फ्रॉली है ना, और उसके लंबे भी इसके कपड़े कुछ वैसे भी ले देते ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस जस्ट अभी मैं मार्केट से आई हूँ और ये ना कुछ ब्लाउजेस हैं जो मीनाक्षी के हमने स्टिच कराए थे, सो वो मैं अभी लेकर आई हूँ। सो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और ये वाला ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा औसम है। और अभी मम्मी ने मंगाया था सबके लिए डोसा, सो वही हम सब करेंगे और फिर हम सब लोग डोसा खाएंगे। एंड गाइस अभी ना शाम के लगभग 4 या 4:30 हो रहे हैं और अब जाके मैं वीडियो स्टार्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि ना इतना बिजी हो जा रहा है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो और ये वीडियो ना काफ़ी लेट जा रहा है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पर रुद्र मेरे साथ मस्ती करा रहा है। पूछ पता है रुद्र ना इतना ज़्यादा मतलब बोलने लगा है ना, तो बहुत बोलता है कि ये क्या है वो क्या है, सब बहुत सारी बातें ऐसे पूछता रहता है। और अभी मैं सबके लिए डोसा सर्व करूँगी, फिर हम सब लोग साथ में डोसा खाएंगे। और अभी पता है क्या हो रहा है, हम लोग सोचते हैं ना कि कितना ज़्यादा साथ में हम लोग टाइम स्पेंड कर पाएँ, कितनी ज़्यादा हम लोग मेमोरीज इकट्ठी कर लें जो बाद में हम लोग को याद आया करेंगी मीनाक्षी की शादी के बाद। और अभी मीनाक्षी की शादी में बहुत कम टाइम रह गया है, ओनली 4 डेज रह गए हैं मीनाक्षी की शादी में। सो बहुत मतलब अजीब सा लगता है, दुख भी लगता है कि चली जाएगी और खुशी भी होती है कि ना सब कुछ इतने अच्छे से हो पा रहा है जैसा हम लोग सोच रहे थे, जैसा हम लोग चाह रहे थे, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। सो बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी हम सब लोग साथ में डोसा खाएंगे और उसके बाद फिर खाने पीने का देखना है, फिर हम लोग को ढोलक वगैरह बजानी है, डांस वगैरह होना है। सो आप लोग ना वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम सब लोगों ने डोसा वगैरह खा लिया है और सच में ना इतना टेस्टी आया था। हम लोगों ने ना फर्स्ट टाइम मंगाया था, एक दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ से, वैसे तो हम लोग ना हमेशा एक है वहाँ से मंगाते हैं, सो हम लोगों ने पहली बार मंगाया था अलग किसी शॉप से, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी था। और यहाँ पे मैं मम्मी की साड़ी पे ना फॉल लगा रही हूँ और एक साड़ी मेरी भी है जिस पे मुझे फॉल लगानी है। हम लोग मार्केट लेके गए थे तो फिर मैंने उनसे कहा फॉल लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कल नहीं मिल पाएगी, 2-3 दिन बाद मिलेगी और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि ना हम लोग 2-3 दिन का वेट करें। सो मैंने कहा मैं ही लगा दूँगी, तो मैं यहाँ पर सिलाई मशीन की हेल्प से लगाऊँगी तो बहुत ठीक रहता है। मैं आपको भी बोलूँगी कि ना आप लोग इस तरीके से फॉल लगाए कीजिए, तो ना फॉल बिल्कुल भी निकलती नहीं है और बहुत ही कम टाइम में फॉल लग जाती है। सो मैं इस तरीके से फॉल लगाऊंगी। हाँ बेटा, हमके लिए चाबी लाए, हमके लिए लाए बेटा, लाए अच्छी वाली लाए, चॉकलेट अच्छी वाली, चॉकलेट बढ़िया वाली लाए, चॉकलेट अब ले हुए? एंड गाइज अभी ये वाली साड़ी मेरी है जिसपे मैं फॉल लगाऊंगी। अभी तो मैं इसको ना साइड से पलट रही हूँ क्योंकि ना पीको के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं सारा काम घर पे अकेले ही कर लूँगी, मतलब खुद से ही कर लूँगी। सो ये वाली साड़ी ना मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा है, पैरेट ग्रीन और पिंक कलर का। और मैं सोच रही हूँ ना कि किसी शादी के किसी फंक्शन में मैं इसको ज़रूर पहनूंगी क्योंकि बहुत ही लाइट वेट सी है, हल्की सी है, कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। <निकारे। laughs>
एंड गाइस ये देखिए रुद्र का, रुद्र के नाना जी का प्यार। जब पापा ना रुद्र को इस तरीके से प्यार करते हैं, इस तरीके से खिलाते हैं, तो मुझे हमेशा याद आता है कि ना जब हम लोग छोटे थे, जब मैं छोटी थी तब पापा मुझे भी ना इस तरीके से हमेशा प्यार करते थे। सॉप से आते थे तो मुझे गोदी लेकर इसी तरीके से उछालते थे, तो ये चीज़ ना बहुत याद आती है। और पता नहीं लगता कि ना हम लोग कब छोटे थे और कब इतनी जल्दी हम लोग इतने बड़े हो गए। अच्छा नहीं लगता है, लाइनर तो फिर भी मैं लगा लेती हूँ और ठीक लगता है, लेकिन काजल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सो आप लोग देख ही सकते हैं कितना तो बेकार लग रहा है। तो अभी मैं फेस वॉश करूँगी और उसके बाद फिर मुझे वीडियो एडिट करना है। और ये देखिए ये सारा सामान जो बेड पे रखा हुआ है, ये सारा भी मुझे उठा के रखना है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा बैग थे हम लोगों के, तो वो ना हमने ऊपर रख दिए हैं क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे इतना सामान हो गया है ना, और ये चाहिए भी नहीं, सो भी इनको ऊपर रखा हुआ है। तो ठीक है, और मैं अपना वीडियो भी यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि ना आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।